हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीयूईटी उत्कर्ष। आज हमारे साथ में है सुभाष परिहार, जो प्रीवियस ईयर के जोधपुर डिवीजन के 12th के टॉपर रह चुके हैं, और हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सुभाष हम सबके साथ में। प्रताप सर, ओवर टू यू। बिल्कुल प्यारे बच्चों, जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां जो हम कर देते हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हमारे साथ में सुभाष है, सुभाष से बातचीत भी करेंगे और जोधपुर डिवीजन के टॉपर रहे हैं 12th के अंदर। सुभाष, पहले तो अपने बारे में बता दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन और कैसे पढ़ाई की अपने 12th की वो भी बतानी है आपको, और CUET का कैसा है वो भी आपको बताना। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम सुभाष परिहार है। मैंने अपना 12th जोधपुर स्कूल, जोधपुर के श्री सुमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12th किया था और 97% बने थे मेरे, और मैंने CUET 2023 का एग्ज़ाम भी दिया था। बट मेरे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे DU के लिए, जो मैंने टारगेट किया था, बट मेरे वो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हुए, जिस कारण मुझे रिजेक्ट DU का फॉर्म भरा था उसमें मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया। बिल्कुल, हम सुभाष एक बार रोकना चाहूंगा मैं आपको, यही बात हम आपको बताने वाले हैं कि जब हम फॉर्म भरते हैं उससे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। Exactly. और पहले से हमें फाइनल कर लेना है कि हम इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। Bilkul. जैसा सुभाष बता रहे, सुभाष कंटिन्यू। एंड जस्ट वन सेकेंड मोर, अगर आप स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि आपको फर्स्ट हैंड पर्सनल एक्सपीरियंस सुनने को मिल रहा है कि क्या मिस्टेक्स आप भी वो कर सकते हो जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। 12th में आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे आप। हाँ। मेरे 12th में 3 डोमेन सब्जेक्ट नहीं थे, जो DU के लिए चाहिए वो नहीं। जो DU के लिए, BA ऑनर्स के लिए, BA ऑनर्स हिस्ट्री में, पॉलिटी में, जियोग्राफी में, किसी भी सब्जेक्ट के ऑनर्स के लिए मेरे को 3 डोमेन चाहिए थे। Okay. लेकिन जो मेरे 12th में सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी लिटरेचर, तो एक लैंग्वेज हो गई थी। तो मेरे को पहले नॉलेज नहीं था, तो मैंने फॉर्म भी फिल किया, एग्जाम भी दिया, अच्छे स्कोर भी था। बट लेकिन फाइनल जो काउंसलिंग के टाइम मैंने जो DU के ऑनलाइन वेबसाइट पे जो मैंने अप्लाई किया था, तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। और अब मैंने वापस इस साल वापस तैयारी की है। अब मेरे वही जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है BA प्रोग्राम के लिए, तो एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक GT, अब इसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। सुभाष देखो, जो समय चला गया, जो बीत गया, उसका तो हम नहीं कर सकते हैं, आपका साल हुआ है, लेकिन सुभाष का और हम सब का केवल इंटेंशन ये है कि आपका भी वर्ष, कोई भी साल खराब ना हो। जो गलती किसी सुभाष जैसे नजर नहीं कितने विद्यार्थियों से हुई होगी, जो 12th के अंदर हमारा उद्देश्य इस वीडियो का ये है कि अवेयरनेस आपके अंदर आए कि हम देखें कि अगर DU को टारगेट करें तो 12th में हमारे सब्जेक्ट कौन से हैं, उसी के हिसाब से हम DU के अंदर हमारा जो है आगे जो कोर्स ऑफर हमें हो पाएंगे। एग्जैक्टली, और स्पेसिफिकली जैसा आप जानते हैं कि ये टॉपर रह चुके हैं, इनके जोधपुर डिवीजन के टॉपर रह चुके हैं। बिल्कुल, इनकी कमी कुछ भी नहीं है, इनके पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, इनकी तैयारी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये टेक्निकलिटी की वजह से इनका 1 ईयर वेस्ट हुआ। और जो इन्होंने पॉइंट बोला उसका बहुत ध्यान रखिए कि इनके पास में एक सब्जेक्ट था हिंदी लिटरेचर, जो अकॉर्डिंग टू CUET फॉर्म फिलिंग आप उसको लैंग्वेज में कंसिडर करेंगे, उनको 3 स्पेसिफिकली डोमेन सब्जेक्ट चाहिए थे। तो ऐसा कुछ इशू अगर आप फेस कर रहे हैं तो प्लीज पहले से देखिए कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में और एलिजिबल हूँ, या किसी और प्रोग्राम के लिए मैं अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ एलिजिबल हूँ कि नहीं। सेकेंडली, हमने बताया भी था सर हमारे चैनल पे कि इस बार जो है आप सिर्फ 6 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर फिल कर सकते हैं। पिछली बार आपके पास में 10 ऑप्शन थे, इस बार सिर्फ 6 ऑप्शन हैं। तो आपको और भी ज्यादा सावधानी से अपना फॉर्म फिलिंग करना है, सब्जेक्ट बहुत ध्यान से चूज करना है। सिर्फ ऐसे टेक्निकलिटी की वजह से कहीं आप सब कुछ अच्छा होते हुए ना रह जाए, दिस इज आवर मेन मोटो, इसीलिए हम आपके तक ये लेकर आए हैं मैसेज। और दूसरी बात एक और बता दें, क्योंकि सुभाष की तैयारी तो बहुत बढ़िया है और इस बार मुझे लग रहा है कि अच्छी रैंक लेकर के आएंगे। सुभाष एक बार, जितने भी बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो CUET का एग्जाम देने वाले हैं, जो DU को टारगेट कर रहे हैं, BHU को टारगेट कर रहे हैं, वो कैसे, आपका तैयारी का प्लान क्या रहता है, आप कैसे पढ़ते हैं, आपका डेली का शेड्यूल क्या रहता है, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले बच्चों को, ताकि हम भी अच्छे स्कोर कर सके। जैसा कि लैंग्वेज के लिए है, जो ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा आता है ग्रामर में, तो लैंग्वेज कोई भी हो उसमें ग्रामेटिकल पोर्शन अपना स्ट्रांग रखे, लैंग्वेज में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और डोमेन में आपको जो NCERT है 12th की, वन लाइन टू लाइन स्टडी करोगे तो उससे बाहर कुछ भी नहीं जाता है। मैंने वही किया और मेरे जो लास्ट टाइम हिस्ट्री डोमेन था, पॉलिटी था, उसमें बहुत अच्छा स्कोर था। और GT के लिए आपको, जैसे कि आपके करंट अफेयर्स, GK और क्वांट और रीजनिंग, तो जैसा आपका जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है, जैसे क्वांट भी आप अपना आपका अच्छा नहीं है, तो आप रीजनिंग और GK पे थोड़ा ज़्यादा जोर दे सकते हैं, जिससे कि क्वांट के आप जैसे कि 10 क्वेश्चन स्किप भी करो तो 60 में से 50 क्वेश्चन करने होते हैं GT में, तो आप 10 क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हो GT में। जैसे कि क्वांट आपका थोड़ा कमज़ोर है तो वो भी कर सकते हो। और थोड़े ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह है, और बाकी तो सेल्फ स्टडी बेटर है, सबसे अच्छी सेल्फ स्टडी है।
कुल मिलाकर के आप तैयारी करने के बाद में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने देखो कोई बैच ज्वाइन किया है तो भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी आपको अपना सेल्फ स्टडी सर्कल करना। कहने सुभाष जी का मतलब यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमने एक बार क्लास देख ली, कुछ पढ़ लिया, लेकिन आपने रिवीजन उसको नहीं किया ठीक से, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। जैसा एनसीईआरटी के बारे में कहा सुभाष ने कि भाई एनसीईआरटी का आपने ठीक से पढ़ लिया है तो आप अपने डोमेन में अच्छा कर लोगे। जीटी का और आपका जो लैंग्वेज है उसका भी आपको बता दिया है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सुभाष से मेरी बात हुई थी तो अभी वीडियो शूट से पहले सुभाष ने कहा कि मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर है उसका एनालिसिस भी पहले किया था। प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करना है, हम भी सारथी सीरीज में कराते हैं, हमारे जो बैच है उसमें अंदर आते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी पढ़ने चाहिए। सुभाष उसका क्या बेनिफिट मिलता है, कैसे फायदा होता है? जैसा कि सर ने बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसमें जो क्वेश्चन का लेवल क्या है, उनको जैसे कि आप और भी तरीके से देख सकते हैं पेपर का। थोड़ा पेपर करोगे तो आपको अच्छा प्रैक्टिस होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना चाहिए मेरे तो। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी पता चल जाते हैं, कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो प्रीवियस ईयर करने का बहुत सारे फायदे रहते ही हैं। डेफिनेटली बिल्कुल, हम भी क्लास लेते हैं तो जब पेपर कराते हैं तो हम भी देखते हैं, जैसे एक जैसे मान लो पीवाईक्यूज कम कर रहे हैं तो मान लो जैसे पेपर का अलग अलग सेक्शन आपको होता है, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट का है, आफ्टरनून का है, तो उससे भी क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट होते हैं, क्योंकि सिलेबस तो वही है, बाहर से कहां पूछेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछेगा। तो एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो कर लेंगे, चिंता नहीं, और ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने अगर साल भर में बढ़िया से पढ़ाई की है तो आपके रैंक अच्छी आ जाएगी, वो तो आपको डरने के लिए, बस डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई करने की जरूरत है। Exactly. तो थोड़ी अवेयरनेस रखिए अपने अंदर, देखिए पढ़ लेना और एग्जाम दे देना पर ही हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, हमें आगे भी ध्यान रखना है कि क्या कोर्स टारगेट कर रहे हैं, अवेयरनेस अबाउट यूनिवर्सिटीज, अवेयरनेस अबाउट फॉर्म फिलिंग, ये सब चीजों का ध्यान रखिए, आप डेफिनेटली अपना गोल अचीव करेंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट सुभाष की, इस साल आप फाइनली आप ड्यू पहुंच जाए। और सुभाष हम तो चाहते हैं कि इस बार आपकी अच्छी रैंक हो और आप खुद वापस से मुलाकात हो और हम बच्चों को बताएं, देखो सुभाष ने कोई बात नहीं एक साल गया था मिस्टेक, इसलिए इस बार अच्छी रैंक लेके आए और ये रैंक आए, उसके बाद वापस हमारी मुलाकात हो। अच्छा लगे बिल्कुल, आपको फिर से टॉप पे शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। अगर आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उत्कर्ष ऐप में सीयूटी के सभी कोर्सेज पर होली हंगामा में मिल रही है 90% की बड़ी छूट का अभी लाभ उठाएं, ऑफर 28 मार्च तक।